ऑल स्टूडेंट, मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल। बच्चों, हमने फर्स्ट ईयर की हमारी पिछली क्लास में ड्रामे की तकनीक पर चर्चा की थी। आज का हमारा मौजू होगा ड्रामे के अज्जाए तकनीक। फन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस सिलसिले में आज हम ड्रामे के अज्जाए तरकीबी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कोई भी फन हो, हर फन के कोई ना कोई जज जरूर होते हैं, जिन जज के जरिए वो फन अमल में आता है। तो इसी तरह से ड्रामा भी ऐसा फन है जिसमें बहुत से जज की जरूरत है, जिनके बगैर ड्रामा की तकमील करना नामुमकिन है। यानी ड्रामे को तकमील करने के लिए, ड्रामे को लिखने के लिए जिन जिन अज्जा की जरूरत है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, ड्रामे का जो पहला जुज है वो होता है प्लॉट। देखिए, इसे हम किस्सा या प्लॉट भी कह सकते हैं। बच्चों, जब तक हमारे पास कोई कहानी है या नहीं है, यानी सबसे पहले हमारे पास उसको लिखने के लिए मौजू, उन्वान और पूरी तरह से किस्सा जहन में होना चाहिए। तो एक ड्रामे की तकमील करने के लिए हमारे पास किस्सा है, लेकिन उसे तरतीब देना यानी उसे मुकम्मल करने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत पड़ती है उनमें पहला अज्जा है प्लाट। प्लाट का अहम काम होता है किस्से को तरतीब देना, यानी कहानी का कौन सा किरदार कहां कैसे क्या बोलेगा, कहानी कहां से शुरू की जाएगी और कहां पर इख्तिताम पर पहुंचेगी, इन सब चीजों को सेट करना प्लाट का काम है। अगर प्लाट ना हो तो किस्सा बिल्कुल से बेरुखा हो जाएगा, बेमजा हो जाएगा। किस्सा जो पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले कारहीन होंगे, वो उससे बोर हो जाएंगे और उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो तरतीब है ये सबसे अहम रोल अदा करती है किसी भी कहानी, किसी भी किस्से या किसी ड्रामे वाक्यात को तरतीब देने के लिए और उसको मुकम्मल करने में और उसे कामयाब बनाने में भी प्लाट ही का अहम रोल होता है। तो चलिए जानते हैं प्लाट क्या चीज है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये ड्रामे का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा होता है, जिसके बगैर कोई ड्रामा वजूद में नहीं आता। ड्रामे की अमली तामीर को प्लाट कहा जाता है। ड्रामे की इब्तदा, वस्त और खात्मा इस तरह मरबूत हो के ड्रामा तसलसल के साथ आगे बढ़े। प्लाट किरदारों के अमल और रद्दे अमल को पेश करता है। यानी हमने जाना कि किसी किस्से, किसी वाकये को आगे बढ़ाने के लिए प्लाट सबसे अहम चीज है। अगर प्लाट हम ना लेंगे तो किसी ड्रामे को
लिख ही नहीं पाएंगे, इसके बगैर वजूद में ही नहीं आ पाएगा। यानी यहां किस्से को तरतीब देना है और किस्से को लिखना है, यानी कहां पर शुरुआत करनी है, कहां इसका मीडियम है या मध्य जो वस्त है दौरान का हिस्सा सेट करना है, और कहां पर इसका खात्मा है। इन सब बातों को बिल्कुल सिलसिलेवार सेट करना ही प्लाट कहलाता है। बीस्तर ड्रामों में एक मुक्तबाजी और जेली प्लाट होता है, दोहरे प्लाट पैरेलिज्म में जेली प्लाट असल प्लाट से हम रिश्ता होता है। आगा हसन और उनके बीस्तर ड्रामों में दोहरे प्लाट की हैसियत मिजाहिया खेज अंसर या मजाक की सी है। ड्रामा नवीस के लिए ये लाजमी है कि वो प्लाट में गैर जरूरी वाकयात, खा वो कितने ही दिलचस्प क्यों ना हो, नजरअंदाज करे और सिर्फ ऐसे वाकयात या हादसात को शामिल करे जो मरकजी ख्याल की तरफ ले जाते हों। कसमकस को हल करने में मदद दें। इसके अलावा प्लाट की तरतीब में अखलाकी कदरें शामिल हों। एक ड्रामा उसी वक्त बड़ा कहा जा सकता है जबकि उसकी जड़ें हमारी रोजाना की जिंदगी में बहुत गहरी हों। वो ऐसे लोगों की दास्ताने ना हों जो माफूकुल फितरी हैं, जिंदगी से बहुत दूर हैं, बल्कि ऐसे लोगों की दास्ताने हों जो आम जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारी जिंदगियों से मुतासिर होते हैं और हमको जिंदगी से मुतासिर करते हैं। प्लाट की दो किस्में होती हैं, मरबूत और गैर मरबूत, एक जकड़ा हुआ एक खुला हुआ। गैर मरबूत प्लाट में तसलसल व हम आहिंद नहीं होती, वो वाकयात का एक मजमुआ होते हैं जिनमें से कुछ का ताल्लुक असल वाकया से होता है और कुछ का नहीं। ऐसे प्लाट गैर दिलचस्प होते हैं। इसके बरखिलाफ मरबूत प्लाट में वाकयात को इस तरह पेश किया जाता है कि तमाम वाकयात एक ही सिलसिले की लड़ियां मालूम होती हैं। यानी जिस तरह से एक कड़ी मरबूत होती है उसी तरह से मरबूत प्लाट भी होता है, और जिस तरह से एक खुला या बिना सिलसिले की चीज होती है उसी तरह से एक गैर मरबूत प्लाट भी होता है। प्लाट की हमने दो किस्में जानी। पहली किस्म है मरबूत, यानी जैसे एक कड़ी या मोतियों की लड़ी तरतीब से होती है इसी तरह, और दूसरी गैर मरबूत। ये दो तरह की किस्म के प्लाट होते हैं। देखिए हमने जाना कि जो मरबूत प्लाट है वो एक लड़ी में मोतियों की तरह पिरोए हुए होते हैं, उनमें किस्सा सिलसिलेवार चलता है और किस्से सारे असल जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, जिसको पढ़ने पर हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। दूसरा किस्सा होता है गैर मरबूत, जिसमें अलग अलग तरह के कुछ ख्याली किस्से भी डाल दिए जाते हैं, कह नहीं सकते कि वो सारी किस्से हकीकी हैं। देखिए हमने जाना कि प्लाट और किस्से का जो ताल्लुक जाना वो किस तरह से है। देखिए ड्रामा नवीस जब ड्रामा लिखता है तो अपने आसपास के माहौल को देखता है और बहुत से हादसात जो उसके सामने पेश आते हैं उन सब को देखता है।
लेकिन उसका जो अहम काम होता है वो ये होता है कि जो जिंदगी की असल को हमें समझा सके, जो जिंदगी के करीब हो, उन्हीं किस्सों को ड्रामा नवीस अपने ड्रामे में शामिल करता है जो जिंदगी को मुतासिर करते हों, ताकि पढ़ने के बाद हम जिंदगी से आसना हो सके। और ऐसे किस्सों को उसमें शामिल नहीं किया जाता जो जिंदगी से ताल्लुक ना रखते हो, या वो कितने भी अहम क्यों ना हो, वो कितना ही अहम हादसा क्यों ना हो, लेकिन उसको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो उस ड्रामे के लायक नहीं है। सिर्फ उस ड्रामे के लायक ही चीजों को इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला दूसरा जो हिस्सा होता है ड्रामे का, जो दूसरा तर्ज है, वो है किरदार निगारी, यानी किरदारों को हम ड्रामे की रूह कह सकते हैं। इनके बगैर कोई भी ड्रामा वजूद में नहीं आ सकता, हरकत में नहीं आ सकता। यानी किसी तखलीक को या किसी तहरीर को अगर हरकत में लाना है, उस पर अमल करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास किरदार होने बहुत लाजमी है। तो किरदार निगारी इसका दूसरा अहम जज़्ब होता है। चलिए जानते हैं किरदार निगारी की क्या खासियत होती है ड्रामे की बनिस्बत। ड्रामे की तरफ किरदार निगारी का क्या हिस्सा है, चलिए किरदार निगारी पर चर्चा करते हैं। ड्रामा नवीस कैसी किरदार निगारी करे। देखिए, किरदार निगारी ड्रामे का एक अहम हिस्सा है। किरदार निगारी ही से एक ड्रामा नवीस अपने ड्रामे को जिंदा व जावेद बना सकता है, और उसी ही के जरिए ड्रामे की आफादी जमालियाती और फनकाराना कदरों का तयीन किया जा सकता है। किरदार की गुफ्तगू, हरकात व सकनात मजमूई ताशीर को बरकरार रखती हैं। किरदार की तमाम तर शख्सियात शुरू से आखिर तक अपनी किसी ना किसी नई करवट से हमें आसना करती और देखने सुनने वाले को ये एहसास दिलाती है कि उसको पहचाने उसकी तहदर तह शख्सियत से वाकिफ हों। किरदारों की हरकत व सकनात उनकी शख्सियत को जाहिर करती है और उनका तर्ज़े अमल ये जाहिर करता है कि उस मखसूस माहौल में और वाकयात की मखसूस फिजा में ये किरदार जज्बाती नफ्सियाती मसाइल उस मखसूस तबके का अंदाज फिकर उनकी समाजी रुतबे माहौल और मौका महल की मुनासिबत से ये किरदार यूं ही पेश आ सकते थे, इस फिजा में ढल सकते थे। यानी किरदार निगारी के बारे में बताया गया है कि ड्रामे में जो किरदारों की हरकत व सकनात होती है, जो हरकतें होती हैं, उन्हीं के जरिए पता लग सकता है कि वो किरदार कैसी हैसियत के हामिल हैं। दूसरा, उस किरदार का जो तबका है, उसका तबके के लिए मखसूस अंदाजे बयान, अंदाजे फिक्र और समाजी रुतबे का भी हमें पता चलता है। अब देखिए, किरदार निगारी की कामयाबी के लिए लाजमी है कि वो अपने ड्रामे के किरदारों के इंतखाब में ऐसे लोगों को रखे जो आम इंसानों से ताल्लुक रखते हैं। किरदार निगारी के लिए दूसरी शर्त यह है कि ड्रामा नवीस इख्तिशार से काम ले और महदूद दायरे में वो अपने किरदारों की अंदरूनी व बिरूनी कश्मकश को उजागर करे। इसके साथ किरदार निगारी में इस बात की भी जरूरत होती है कि ड्रामा निगार अपनी तवज्जो
उस खास नुक्ते और किरदार की उस खास खसूसियत पर मरकूज कर दे जिसको वो मखसूस खसूसियत के साथ नुमाया करना चाहता है। वही एक ड्रामा नवीस के लिए ये भी लाजमी है कि वो किरदारों के जज्बात व एहसासात को बेहतरीन अंदाज से कारीन के सामने पेश कर सके। यानी किरदार से मुराद जो ली गई वो ये ली गई कि रूह होते हैं, जान डाल देते हैं। यानी जो भी तहरीर हमने लिखी है, अब हम चर्चा कर रहे हैं ड्रामे पर, जब तक ड्रामे में किरदार नहीं होंगे उसमें रूह नहीं होगी, उसमें हरकत नहीं होगी। लेकिन यहां किरदारों की कुछ खासियतें बताई गई हैं कि किरदार सच्चा और हकीकी लगना चाहिए। दूसरा, किरदार निगारी पर हमने चर्चा की कि इसके लिए जो शर्त लाजमी है वो ये है कि उसके किरदारों का जो इंतखाब है वो ऐसे लोगों का किया हुआ होना चाहिए जो आम लोग हों। यानी आम इंसानों को अपनी किरदार निगारी का जो हिस्सा है वो बनाना चाहिए। दूसरा, किरदार ऐसे होने चाहिए कि जो ड्रामा नवीस है उसको किरदार इस तरह के लेने चाहिए ताकि इख्तिसार से काम लिया जा सके। यहाँ इख्तिसार को भी एक अहम हिस्सा माना गया है कि इख्तिसार अगर होगा तो एक मकबूल, कामयाब और दिलचस्प ड्रामा लिखा जा सकता है। अगर इसमें तवालत कर देंगे, अगर इस किस्से को तबील कर देंगे तो ड्रामा जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से जो ड्रामा है वो बोर ड्रामा कहलाएगा और नाकामयाब ड्रामा कहलाएगा। जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। कारी को अपनी तरफ खींचना है, इसलिए मरकूज के किरदारों की तरफ तवज्जो मरकूज करानी बहुत जरूरी हिस्सा होता है। तो किरदारों को इस तरह से पेश किया जाना चाहिए कि कारीन जब पढ़े तो उन किरदारों से मुतासिर जरूर हो। अगला जो हिस्सा है ड्रामे का वो तीसरा हिस्सा है। तीसरा जो जज्ब होता है वो होता है मकालमा निगारी। देखिए मकालमा निगारी, मकालमा क्या चीज होती है बच्चों? जब तक हम कोई फिल्म, कोई मूवी देखते हैं और उस मूवी में अगर डायलॉग ना हो तो वो मूवी बिल्कुल से बेमजा हो जाती है। अगर वो सिर्फ गूंगी हो या बिना बोलती हुई तस्वीरें उसमें चलती फिरती तस्वीरें दिखा दी जाए तो वो बेमजा और उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। यानी मकालमा से मुराद है डायलॉग, और डायलॉग किसी किस्से को बयान करने का एक अहम हिस्सा होता है। और जब हम मकालमा निगारी कर रहे होते हैं तो ये जरूर ख्याल रखा जाता है कि जो मकालमे जिन किरदारों से कहलवाने हैं वैसे एब्जेक्ट किरदार, किरदारों को वैसे के वैसे डायलॉग बुलवाए जाते हैं। यानी किरदार के माफूक ही जो मकाल में है वो कहलवाए जाते हैं, नेक किरदार से नेक बातें कहलवाई जाती हैं और बद किरदार से बदी के मकाल में कहलवाए जाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी ख्याल में रखकर बात को रखा जाता है। और मकालमे के लिए ये हमेशा ध्यान रखा जाता है, लाजमी शर्त होती है कि जैसा मकालमा है किरदार बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो किरदार के बाद जो तीसरा अहम हिस्सा है वो है मकालमा, और मकालमे से मुराद है डायलॉग। देखिए ड्रामा नवीस हर किरदार को मकालमों के जरिए पेश करता है और इन्हीं के जरिए से वो किरदारों की अंदरूनी कशमकश और बिरूनी मुश्किलात का इजहार करता है।
मकालमे वाकयात को साथ लेकर चलते हैं और कहानी मुतवाजी तौर पर आगे बढ़ती रहती है। मकालमे किरदारों की सतहों को मुनकशफ करते हैं, इसलिए मकालमों में इस बात की ज़रूरत होती है कि हर लफ्ज जो किसी किरदार के ज़बान से निकले उसको किरदार की शख्सियत और फितरत से हम आहिंग होना चाहिए और उसके मकालमों की बुनियाद इसके ख्यालात व जज्बात पर होना चाहिए, क्योंकि मकालमों में जरा सी भी तगजिस किरदार को उसके असल मुनसब से हटा देती है। यानी अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी कि मकालमे और किरदार की जो मेल जोल है वो सही नहीं बैठा, अगर किरदार से हटकर उसका मकालमा लगा तो पूरे किरदार का जो मनसब है वो कम हो जाता है, उसकी जो अहमियत है उसको ड्रामे में वो कम कर देता है। तो मकालमा बड़ा अहम हिस्सा होता है। देखिए आगे लिखते हैं कि मुख्तसर फिक्र और जज्बे में डूबे मकालमे किरदारों की शख्सियत को उजागर करते हैं। मकालमों की जानदारी ड्रामे को दिलचस्प बनाती है, यानी मकालमा किरदार की हैसियत को कारीन तक पेश करने का जरिया है। यानी कारीन इसको इसके जज्बात किरदार की जो जहनी कसमकस है अंदरूनी कसमकस है उसको मकालमों के जरिए ही समझ सकता है। यानी चाहे नाजरीन हो या कारीन हो, चाहे देखने वाले हो या पढ़ने वाले हो, जब तक किसी भी ड्रामे में मकालमे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो हम उस किरदार की दिली कैफियत को नहीं समझ पाएंगे। मकालमों का सबसे बड़ा अहम जो काम है वो यही है कि जो उस ड्रामे में किरदारों को पेश किया गया है उनकी दिली कैफियत, उनके जज्बात, उनकी बीरूनी जो अंदरूनी कैफियत है उसको नाजरीन के और कारीन के सामने पेश करना। इसका चौथा जो जज़्बा है वो है ज़बान व बयान। देखिए सबसे आखिरी हिस्सा है और देखिए जानते हैं कि ड्रामे की ज़बान व बयान कैसी होती है या ज़बान व बयान ड्रामे में क्या अहमियत रखता है। देखिए ज़बान व बयान की नज़ाकत, सूती आहिंग, अल्फाज की तकरार, किरदारों की शख्सियत और ड्रामे के अमल को महसूस कराती है। ड्रामा नवीस वाकयात की नवीयत के एतबार से कभी नरम व शगुफ्ता अल्फाज और कभी तंजिया या मिजाहिया अंदाज में और कभी सख्त व तलख अंदाज इख्तियार करता है। ज़बान व बयान पर कुदरत रखने वाले ड्रामे कारी की दिलचस्पी को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यानी यहाँ ज़बान व बयान आखिरी हिस्सा जरूर है, लेकिन ज़बान व बयान जब तक बेहतरीन नहीं होगी तब तक कारीन या फिर जो देखने वाले हैं उनको अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, उनकी तवज्जो मरकूज करने के लिए एक अच्छा असलूब बयान, एक बेहतरीन ज़बान व बयान का इस्तेमाल करना, लफ्ज़ों की तकरार, अल्फाज जो हैं उनकी तकरार और अल्फाजों का एक मौका पर किस जगह कैसे स्टिक उनको इस्तेमाल करना है, उसका असलूब बयान और उसका ज़बान व बयान पर ही पूरा दारोमदार होता है कि एक जो
ड्रामा नवीस ड्रामा लिख रहा है उसका असलूब कैसा है। तो असलूब भी एक अहम हिस्सा होता है, इसे हम असलूब भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो मौजू ड्रामे का फन, उसका जो अज्जाए तरकीबी है उस पर हमने चर्चा की, ड्रामे के फन और उसके अज्जाए तरकीबी पर। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो ड्रामे की आगाज़ और इर्तिका पर होगा। तो अगली क्लास में हम ड्रामे की तारीख पर चर्चा करेंगे।